रोहित शर्मा जिस तरीके से टीम को लीड करता है, आप देखे चाहे टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, रोहित शर्मा को पहले 5-10 ओवर आप खिला लो और आपको 100 से 150 स्कोर सेट करके दे देते हैं, बाकी अपनी जूनियर्स को बोलता है यार। बाबर आजम इज न्यू बॉर्न बेबी एंड द रोहित शर्मा इज बूढ़ा शेर। ओके, उसने सीख लिया। बाबर आजम नो डाउट उसने पाकिस्तान को बहुत से फॉर्मेट में लीड भी करवाया। नहीं बनता तो इसके अंदर मैं ये बता दूं कि बाबर आजम की ना अंडर कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान बेशक फाइनल बहुत दफा हारा है, लेकिन हम लोग फाइनल बहुत दफा पहुंच चुके हैं। एशिया कप के भी फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल खेले, उसके बाद T20 वर्ल्ड कर रहा है। इवन बोलर भी वेट कर रहे हैं कि भाई हमें रोहित ही चाहिए एज अ कैप्टन। और जब से गौतम गंभीर ने बोला कि भाई 2027 तक मुझे रोहित की कैप्टनसी चाहिए और रोहित तो विराट मुझे टीम में जीवन बोलने नहीं आई। यहीं पे अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की तो वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ही कैन प्रूव। ख्याल से रोहित शर्मा की एज है, उस अगर कंपैरिजन किया जाए बाबर आजम के साथ, मेरे ख्याल से इतना उसका एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा का क्रिकेट में, इन क्रिकेट लाइफ। रोहित शर्मा ने इस टाइम ODI वर्ल्ड कप भी फाइनल खिलाया अपने कंट्री को, वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी 2 फाइनल खिलाए हैं। उसके बाद अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप जीताया, एशिया कप भी जीतवाया। तो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दिस इज योर होस्ट शामनाद एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कैप्टनसी पर और कैप्टनसी में क्या चंक्स हमें नजर आते हैं, ये सारी बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। उसी के साथ साथ जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कितना अच्छा लीडर होने वाला है। बाबर आजम जो कि ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान की कैप्टनसी करते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छे से पाकिस्तान को लीड करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ है रोहित शर्मा जो कि एक लीडर समझे जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम में उनके फैंस हैं बल्कि उनकी कैप्टनसी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। लोगों से जानेंगे इनका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट कैप्टन जरूर बताएं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल होगा कैप्टनसी पर, और कैप्टनसी का हम अगर जब बात करें तो ऑफ एंड ऑन बाबर आजम हमारे कैप्टन रहे हैं, हमें लीड करते रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम को लीड करते रहे हैं, और दूसरी तरफ कंसिस्टेंटली लीड करते हुए नजर आए हैं रोहित शर्मा। क्या कंपैरिजन देखते हैं आप इन दोनों क्रिकेट के एक्सपर्ट्स? देखिए, बाबर आजम इज ओनली अ कैप्टन, रोहित शर्मा एक लीडर है। रोहित शर्मा जिस तरीके से टीम को लीड करता है, आप देखिए चाहे टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, रोहित शर्मा को पहले 5-10 ओवर आप खिला लो और आपको 100 से 150 स्कोर सेट करके दे देते हैं, बाकी अपनी जूनियर्स को बोलता है यार बाकी के मैच तो आप लोगों को छोड़ा है। और जैसे उसके पास टीम है मौजूदा लाइफ देखे, अगर रोहित शर्मा आउट भी हो जाती है, जायसवाल है, रोहित है, ईशन किशन है, बहुत सारे उनके पास बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं जो कि टीम को लीड कर सकते हैं। और रोहित शर्मा के ऊपर लाइक देखे, उधर रोहित शर्मा अकेला कैप्टनसी कर रहा है पिछले 5-7 साल से, कोई शोर रोला नहीं आया, कोई कुछ नहीं कह रहा कि भाई मुझे कैप्टनसी दो, ना ही विराट शोर कर रहा है, ना ही बुमराह शोरी शोर कर रहा है। इवन बोलर्स भी वेट कर रहे हैं कि भाई हमें रोहित ही चाहिए एज अ कैप्टन। और जब से गौतम गंभीर ने बोला कि भाई 2027 तक मुझे रोहित की कैप्टनसी चाहिए और रोहित तो विराट मुझे टीम में जी में वर्ल्ड कप लेके आऊंगा, और हमारे पास देखने अकेला बाबर आजम है, बाबर आजम अकेला बेचारा क्या करे, कैप्टनसी भी कर रहा है, स्कोर भी कर रहा है, टीम को भी लीड कर रहा है, दुनिया का नंबर वन बैट्समैन बन के पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के अंदर। तो हमें तो चाहिए पाकिस्तान के बाबर आजम पाउंड धो के पिए। इवन नो डाउट रोहित शर्मा एक बड़ा कैप्टन है बाबर आजम से, पर बाबर आजम की रिस्पेक्ट करनी तो बनती है ना। इवन देखिए, जब बाबर आजम गया था इंडिया वाले, रोहित शर्मा ने स्पेशली अपने घर बुला के उसको कितनी रिस्पेक्ट दी थी, खाना खिलाया था, विराट को भी स्पेशली मिल के आए थे जाके। हम अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जमीन आसमान का ये फर्क है। जिस दिन जैसे रोहित शर्मा की इज्जत रिस्पेक्ट होती है अपने मुल्क के अंदर, हम पाकिस्तानी बाबर आजम करने लग जाएंगे तो आप यकीन ना मानो कि बाबर रोहित और विराट के लगभग बैट्समैन बन जाएगा। हमें कदर ही नहीं अपने बैट्समैन की, अपने बोलर्स की। शहीनशाह भी कैप्टनसी के लिए रो रहा है, बुमराह तक क्यों नहीं रोया कैप्टनसी के लिए, मुझे ये बताएं। क्योंकि बुमराह बहुत पता है, मैं बॉलर हूँ, बॉलर की लाइफ थोड़ी होती है, 30-34-35 साल तक एज के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। तो हमारी कैप्टनसी के रोड़े बहुत हैं, पाकिस्तान इसलिए बहुत दबता चला जा रहा है। और रोहित के अगर बात करें, नो डाउट रोहित बहुत बड़ा कैप्टन है, आपने आपको पहले बोला लीडर भी है। रोहित जैसा लीडर ना ही सीना कंट्रीज के पास है, ना ही यहाँ पे एशिया में किसी के पास है यार। रोहित का तो मैं कहता हूँ एक वक्त आएगा, और 2-4 माह की बात है, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आप देख लेना। जैसे पाकिस्तान का बच्चा विराट के गाने गाता है ना यहाँ पे, कहता भाई हमने विराट को देखना है, सेम टाइम पे सेम सिचुएशन में लोग आपको रोहित शर्मा के भी नारे लगाते नजर आएंगे, उसके स्लोगन लगाते नजर आएंगे, कहेंगे भाई रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन उस जैसे लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा। यार देखो, हम पूरा पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी अभी तक की है, पर मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आके रोहित शर्मा 3 ट्रिपल सेंचुरी मारे, और वो मार भी सकता है, वो करके भी दिखाएगा। आप देख लेना, अगर रोहित शर्मा पहले 20 ओवर्स में आउट ना हुआ पाकिस्तान से, ODI मैचेस है ना, 20 ओवर्स में होगा, आपको रोहित शर्मा अकेला 170-300 स्कोर मार के दिखाएगा, एबिलिटी है उसके अंदर, और पाकिस्तान को ही मारेगा जो हमारी बॉलिंग के हालात जा रहे हैं। आखिरी सवाल करूंगी, मुझे ये बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, हमें इंडिया की कैप्टनसी से क्या सीखना चाहिए? इंडिया की कैप्टनसी से हमें ये सीखना चाहिए कि अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करें,
अपने प्लेयर्स को बैक करने के, बोले भाई मैं आउट हो गया तू कर सकता है, मुझे पता तू कर लेगा। अगर रोहित शर्मा देखे वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया था, कोई 8-12 स्कोर पे आउट हो गया था, विराट कोहली ने अगले मैच संभाला, जब तक बाबर आजम रोहित शर्मा की तरह अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं करेगा अच्छा कैप्टन नहीं बन पाएगा। वो बात आपको याद होगी रोहित शर्मा ने बोला था कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में कोच मुझे बना दो, बैटिंग ठीक कर दूंगा, भाई रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में कोच बन जाना, हम तुम्हें अपना मुल्क बेच के पैसे दे देंगे, हमारे मुल्क की बैटिंग बॉलिंग जो भी है जो जो मसले है ना वो ठीक कर दो, आगे हम बहुत तंग आ गए हैं इंडिया से हार हार के। बिल्कुल, थैंक यू। टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा इंडिया के वन ऑफ द रिमार्केबल कैप्टन है, क्या कंपैरिजन देखते हैं? देखिए कंपैरिजन तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, बाबर आजम इज न्यू बॉर्न बेबी एंड रोहित शर्मा इज बूढ़ा शेर, उसने सीख लिया। बाबर आजम नो डाउट उसने पाकिस्तान को बहुत से फॉर्मेट में लीड भी करवाया है, उसने हमें फाइनल भी खिलवाया है, उसने हमें सेमीफाइनल भी खिलाया है, लेकिन उसे आज तक कभी भी उसको एंड करना नहीं आया, उसको आज तक जो उसने मेहनत किया उसका फल निकालने नहीं आया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा की तो वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, ही कैन प्रूव हिज सेल्फ ऑन बिग मैच एंड यू कैन ऑल्सो चेक इन के वो परफॉर्म जब करता है फाइनल्स में, जब सेमीफाइनल्स में अगर वो बैटिंग अपनी कहीं ना कहीं फ्लॉप भी होता है तो उसने अपनी टीम को इस तरह अपने पीछे किया हुआ है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनका छठे नंबर वाला प्लेयर आके भी पार्टनरशिप लगा देता है, और उनका छठे नंबर वाला जिस बॉलर पे आप उम्मीद ही नहीं रख सकते अक्षर पटेल जैसा भी वहां पे उसको डिफेंड कर सकता है, मतलब कैप्टनसी पे तो इनका पॉइंट बनता ही नहीं है। वो हिटमैन उसको खेलते हुए 10-12 साल हो गए, बाबर आजम को भी नया बच्चा और मेरे ख्याल से यही साल है उसका कैप्टनसी का, वैसे भी उसको निकाल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए तो आपको क्या लगता है कि जब हम बाबर आजम की बात करते हैं और दूसरी साइड पे रोहित शर्मा की बात करते हैं जिसने इंडिया को ना सिर्फ लीड किया है बल्कि विन भी कराया, चैंपियन भी बनाया है, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों? मैंने तो जो देखा है जितनी मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की एज है उस अगर कंपैरिजन किया जाए बाबर आजम के साथ, मेरे ख्याल से इतना उसका एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा का क्रिकेट में इन क्रिकेट लाइक इतनी उसकी एज होगी बाबर आजम की। और देखा जाए जहां उसको चलना चाहिए जिस मैच में उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, लाइक आई होप लाइक मैंने जितने भी मैच देखे उसने उसमें परफॉर्मेंस की है, अपने मैच को उसने मुकाम तक पहुंचाया है। और लाइक अपने अगर वो बाबर आजम को देखें तो किसी भी मैच में अगर वो जनरेटर टाइप है, चल गए तो चल गए, ना चले तो फिर कोई चैन देकर नहीं है। मैं रोहित शर्मा मेरी नजर में उस जैसा कैप्टन इंग्लैंड लाइक ऑस्ट्रेलिया काफी टीम्स हैं, लेकिन मैंने उन जैसा बुरा शेर अभी तक किसी भी टीम में मैंने मुझे देखने को नहीं मिला। अच्छा आपसे क्वेश्चन करूंगी, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, ऑलरेडी हम लोग जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत बुरे तरीके से हारे हैं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है और पाकिस्तान की जो पोजीशन इस वक्त कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है, आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान एक कमबैक करेगा, और अगर करेगा तो हमें इंडिया की जो लेवल्स है उन पर जाकर सोचना चाहिए क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक्स क्रिकेटर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इंडिया से लर्न करना चाहिए? डेफिनेटली हमें इंडिया से लर्न करना चाहिए। आप देखें वो जो उनका राहुल द्रविड़ है, मैं उसका उस दिन ट्वीट पर रहा था, वो कहता है आपको ओपनर अच्छा ना हो कोई मसला नहीं, आपकी टेल एंडर अच्छे ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर एक बॉडी में रीढ़ की हड्डी है, आपका मिडल ऑर्डर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और पाकिस्तान कहाँ पे फाल करता है? मिडल ऑर्डर में। हमारे पास ओपनर अच्छे हैं, ओपनर में अगर हम बाबर, रिजवान और फकर को रखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन हमारे पास मिडल ऑर्डर में किसी को रखने की जगह नहीं है। हम यारी दोस्तियां कम करेंगे तो कुछ करेंगे ना, वो शिदाब इसमें लीगों में खेल लेता है और यहाँ पे आके मैंने तो नहीं उसकी लास्ट वो एक वर्ल्ड कप में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर दिया, उस बिना पे वो खेल रहा है, नवाज खेल रहा है, मतलब हमारे पास प्रॉपर हमें ऑलराउंडर चाहिए जैसे हार्दिक पांड्या है, हमें ऑलराउंडर चाहिए जैसे बेन स्टोक है, हमें ऐसे ऑलराउंडर चाहिए, ना कि ये हसन अली, ये नवाज, ये शदाब जो साल में एक दफा चले। वहीं पे अगर हम इंडिया को इस तरफ देखें तो इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम इस टाइम बनी हुई है और मुझे लगता है कि वो अपने स्क्वाड में या अपनी टीम में कुछ ना भी चेंजेस करें ना, आप उनके लास्ट PSL देखे जो न्यू स्क्वाड निकले उनके, वो उसमें क्या नाम है एक उसका रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा है, मयंक यादव है, मयंक यादव, ये कितने एक्सपीरियंस, और ऐसे लगता ही नहीं है कि वो एक न्यू है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक क्या है, उन्हीं लोगों को खिलाई जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को शफल करी जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में न्यू टैलेंट नहीं है? आप चेक कर ले हर जगह हमारे पास टैलेंट है, बस क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं हम दे सकते, हम उन लोगों को वहां पे नहीं भेज सकते कि हम लोग बस ये चाहते हैं पैसा आ रहा है, डेट्स ओके। ओके मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर हम कैप्टेंसी के लिहाज से देखें तो कैप्टेंसी के लिहाज से हमें क्या क्या लर्न करना चाहिए?
कैप्टेंसी के लिहाज से हमें सबसे पहले तो रोहित शर्मा को देखना चाहिए कि वो अपनी टीम को कैसे लेके चलते हैं, किधर उन्होंने क्या करना, वो बेटर जानते हैं, किसी भी कैप्टेंसी से वो बेटर जानते हैं। और पाकिस्तानों को यारी दोस्ती चाहिए, मैच इनका अगले दिन होता है उससे पहले रात इनको कुलचे खिलाओ, आइसक्रीमें खिलाओ, ये तैयारी करने के बजाय ये कर रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस क्या करनी है, ये कुलचे खाएं या मैच की प्रैक्टिस करें। हमें ये शो करता है कि हमारी आज टीम का मैच है, मैच देखेंगे, मैच देखते हैं भाई दिल बुरा हो जाता है। अब तो जब से मैं इंडिया के मैचेस देख रहा हूँ मेरी तो तबीयत खुश हो रही है कि यार इसे कहते हैं मैच, इसे कहते हैं प्रैक्टिस, इसे कहते हैं स्ट्रगल, किसी मैच में कुछ कर रहा है, वो मैच देखने का मजा भी आता है यार। वाकई किसी टीम में कोई कैप्टन जो अपनी टीम को लेकर चल रहा है इधर क्या करना वो बहुत बेहतर जानता है रोहित शर्मा। मैं तो उसको दो हाथों से ऐसे सलूट करने के लिए तैयार हूँ यार, वेरी गुड, आपको और तरक्की मिले। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, काफी जितने भी टीम है, साउथ अफ्रीकी, मुझे इंडिया से मतलब कैप्टनसी देखने को किसी भी टीम में नहीं मिली। अगर अपने पाकिस्तान में देखा जाए मुझे नहीं लगता कि 0.5% भी मुनीब भाई के ऐसी कैप्टनसी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कुलचे वगैरह खिलाओ इनको, इनको आइसक्रीम में खिलाओ, अगले दिन मैच होता है, ये इन्होंने प्रैक्टिस क्या करनी है, ये बाहर घूमने निकले होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, बताओ अब इनके साथ क्या किया जाए। बोल ये तो हमारी फीलिंग्स का मजाक बना देते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं इंडिया को कैसे एक्सपेक्ट करें अंडर द कैप्टेंसी ऑफ रोहित शर्मा, लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा, क्या लगता है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में क्या? इंडिया मस्ट बी द फाइनलिस्ट। ओके, इंडिया मस्ट बी द फाइनलिस्ट। आई हैव नो आइडिया द सेकंड ओपोनेंट टीम हु इज दिस, बट इंडिया मस्ट बी द फाइनलिस्ट एंड द 80% चांसेस इंडिया विन द चैंपियंस ट्रॉफी। 80% चांसेस। ओके, आपको भी यही लगता है, आपका भी यही ओपिनियन? इसको 80% ना, मुझे 90% इंडिया ही विन करेगा, क्योंकि जो उनकी स्ट्रगल रंग ला रही है तो डेफिनेटली इसमें होप वगैरह कोई सीन नहीं है, डेफिनेटली इंडिया विंस। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कंपैरिजन बनता है, अगर कोई कहता ना कि कंपैरिजन नहीं बनता तो इसके अंदर मैं ये बता दूं कि बाबर आजम की ना अंडर कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान बेशक फाइनल बहुत दफा हारा है लेकिन हम लोग फाइनल बहुत दफा पहुंच चुके हैं, एशिया कप के भी फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल्स खेले, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के हम लोग फाइनल में भी गए हैं। तो बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा था, एक साहब का परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम लोग वो 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, वो ऑस्ट्रेलिया के हार की वजह से, हम जीत की वजह से हम लोग हार गए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन, ही इज अ गुड कैप्टन एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इस टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप भी फाइनल खिलाया अपने कंट्री को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी दो फाइनल खिलाए हैं, उसके बाद अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप जीताया है, तो अगर एशिया कप भी जीतवाया है, तो अगर ट्रॉफी लिफ्टिंग के अंदर अगर आपने बेटर कैप्टन मेरे से पूछ रहे ना, देन आई विल गो फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नो डाउट इज अ गुड कैप्टन, इज अ गुड बैट्समैन, इज अ गुड हिटर, क्योंकि वो आते साथ ही जो प्रेशर अगली ओपोनेंट टीम पे डाल देता है ना, वो बाबर आजम नहीं डालता। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने बाबर को कंपेयर करना है उसको विराट कोहली के साथ करो, क्योंकि विराट कोहली आते साथ ही छक्के चौके पे ट्राई नहीं करता, रोहित शर्मा आते साथ ही अन्य बल्ले घुमाता है, उसको पता होता है कि भाई मैंने बल्ला कहां पे घुमाना है, कैसे घुमाना है, वो घुमा के मूड देता है और बाउंड्री पार छक्का जाता है। बाबर फास्ट क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है बाबर का विराट, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली के साथ बनता है कंपैरिजन अगर आपने करना है। क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि विराट के साथ भी कंपैरिजन नहीं बनता है, तो भाईजान विराट का बाबर के साथ मुकाबला नहीं बनता, मैं इतना भी कह सकता हूँ। मैं पूरे होशोहवास में कह सकता हूँ कि बाबर का मुकाबला किसी भी प्लेयर के साथ नहीं बनता, बाबर की अपनी क्लास है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम लोग रोहित शर्मा की बात करते हैं और उनकी कैप्टेंसी डिसीजन की बात करते हैं, जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें भी उनसे कुछ लर्न करना चाहिए? क्योंकि बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं अभी कह रहा हूँ, एक मैच के अंदर शहीनशाह अफरीदी से टिप्स ली थी मोहम्मद शमी ने, ठीक है, ये मैंने अपनी फैंटेसी दुनिया से बात नहीं बनाई, ये मीडिया में जाकर आप देख लें, एशिया कप के दौरान ही आई गया, जब शमी ने श्रीलंका से श्रीलंका के खिलाफ या सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, उस मैच से पहले शमी ने या सिराज ने शहीनशाह अफरीदी से कुछ टिप्स ली थी, ठीक है। तो अगर शहीनशाह अफरीदी टिप्स दे सकता है तो बाबर आजम विराट कोहली से क्यों नहीं टिप्स ले सकता? बिल्कुल ले सकता। यार टिप्स लेना कौन सा गुनाह है? ये तो हमारी मीडिया का काम है ना कि हाइप क्रिएट कर देना कि एक क्या कहते हैं बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को सिखा रहा है, और भाई दोनों प्लेयर बड़े हैं। अगर विराट कोहली से आमिर खान एक्टर ने पूछा था ना कि आपको किससे डर लगता है बॉल फेस करने टाइम, क्या नाम लिया था उसने? मोहम्मद आमिर का नाम लिया था। तो यहाँ पे आप ये देखें ना कि विराट कोहली को परवाह ही नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, गेम रिकग्नाइज करता है, एक प्लेयर को रिकग्नाइज करता ही करता है। ये हमारी मीडिया है जैसे बनाया हुआ कि वो प्लेयर फलाना ये फलाना, अच्छा भाई इंडिया के लिए विराट कोहली बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, हम और पाकिस्तानियों के लिए बाबर आजम भी बहुत अच्छा है, विराट कोहली भी बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा भी अच्छा है,
हम लोग ना बाउंड्री से हटके बात करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया वाले ना बाउंड्री के अंदर रह के अपने प्लेयर को ना ऊपर ए प्लस ग्रेड में लेकर आते हैं। लेकिन हमारे हमसे पूछो ना कि मेरे, अगर मेरे से आप पूछे कि मेरे टॉप थ्री फेवरेट बैट्समैन कौन है, फर्स्ट ऑल कोपर बाबर आजम, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अगर किसी इंडियन से पूछो आपके कौन से हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या बुमराह। केएल राहुल ने अपने पांच बेस्ट प्लेयर्स दिए थे बैट्समैन और बॉलर में, बैट्समैन में एक इंक्लूड केएल राहुल ने खुद किया, बाबर बॉलिंग के अंदर नसीम शाह किया। ये आपका जब इंडिया का प्लेयर खुद पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है तो इंडियन मीडिया की नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ करती। अच्छा आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्या लगता है कि जिस मोमेंटम इस वक्त इंडिया हो सकती है आफ्टर बीइंग टी20 चैंपियन, पाकिस्तान उस मोमेंटम में होगा इस वक्त? क्योंकि हम लोग जो है वो इस वक्त जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा मोमेंटम नजर आ रहा है, क्या लगता है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख रहा, चैंपियन ट्रॉफी तो बहुत बड़ा एक इवेंट है जो पाकिस्तान में होस्ट होना है, जिसकी वजह से आईसीसी का हमारा बजट अप्रूव हुआ है 1280 करोड़ का। तो इसमें ये कोई इसमें हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करेगी। भाई पाकिस्तान का होम ग्राउंड होगा, इंडिया ने आना है पाकिस्तान के अंदर खेलने, तो पाकिस्तान की टीम आपको ना एक ना डे डेवल बन के साबित नजर आएगी कि पाकिस्तान की टीम आपको वो नजर आएगी जो आपको कभी नहीं नजर आई थी। पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल या फाइनल तक जाएगी, और उम्मीद करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आएगी, इंडिया आएगी पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, भाई नहीं, इंडिया या सेमीफाइनल या फाइनल में आए, पाकिस्तान को फेस करे, फिर चैंपियन ट्रॉफी के पैसे हमारे पूरे होंगे, फिर पता चलेगा हु इज द बेस्ट कैप्टन, बाबर या रोहित या विराट।